भाई क्या चाहिए, गोल्डन रैप में है पूरी। आगे वाला इसका सॉकर पता नहीं कैसे खड़े खड़े लीक करने लगा है, जिससे आगे वाली ब्रेक भी ढंग से काम नहीं कर रही है। ये रही अनुपम की प्यारी सी दोस्त। भाई मुझे नहीं पता था इतने महंगे ब्रेक पैड हो गए हैं इसके 390 के फ्रंट टायर के। फक मैन ये क्या था भाई, ये गड्ढा कहाँ से आ गया। यही हो रहा है आजकल, बच गए भाई। बहुत बड़ा गड्ढा था भाई। एक सेकंड, वही मैं देख रहा हूँ, बहुत बड़ा गड्ढा था। हाँ वो पता नहीं कहाँ से आ गया। एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, टाइम हो रहा है आपका 11:26 और मैं हूँ ऋतिक झा आपका होस्ट, और ये रहे अपने ड्यूक। और कैसे हैं आप लोग, बढ़िया नज़ारा है, बढ़िया हवा चल रही है, बिल्कुल गोमती नदी बिल्कुल मस्त लग रही है आज। और मैं निकला हूँ गाड़ी लेके आज अपनी गाड़ी का सॉकर सही कराने। तो हुआ ये कि आगे वाला इसका सॉकर पता नहीं कैसे खड़े खड़े लीक करने लगा है, जिससे आगे वाली ब्रेक भी ढंग से काम नहीं कर रही। अगर दिख रहा हो, ये देखिए पूरा लीक कर रहा है। थोड़ा टायर और बेंड करता हूँ, ये देखिए। तो इसको चेक करवाना है, क्या दिक्कत हुई है इसको पूरा चेक करवाएंगे। और एक इशू और आ गया है गाड़ी में, ये देखिए यहाँ से टायर पूरा एक ईंटे लगने की वजह से, जिसको मैं दिखा दूँगा क्या हुआ था। उसको मैंने हल्का शूट किया था कल रात, में आ रहा था गाड़ी से लेके घर पे, और एक जगह पे यहाँ पे कहीं टायर पे ईंटा लगा, ये देखिए यहाँ पे, जिसकी वजह से इसने छोड़ दिया है, वो यहाँ से टायर छोड़ दिया है। अच्छा टायर फट गया है दो जगह से पूरी तरीके से, देखते हैं कैसे सही होगा। लेकिन ये बहुत गंदा फटा है, तो ये कट गया है, तो ये टायर भी ऑलमोस्ट थोड़ा डैमेज हो गया है, तो इसको चेंज करवाना है। तो टायर का तो अभी नहीं पता, लेकिन सॉकर वाला काम आज ही करवाएंगे। तो चलते हैं शोरूम की तरफ। ओ भाई बाबा, बिल्कुल धंधना के चल रही है, बिल्कुल लाइक फील हो रहा है पूरा विंड ब्लास्ट। और साइड वाला मिरर भी ले लिया हम लोगों ने, अगर देखते हैं नट मिलेगा तो वो भी लगा लेंगे। आज बहुत दिनों के बाद मैं निकल रहा हूँ धूप में, सच में निकल ही नहीं रहा था। और लाइक सडनली इतनी गर्मी पड़ रही है अब कि निकलने का मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन ये काम बहुत ज़रूरी था, क्योंकि गाड़ी खड़ी हुई थी और मैंने सडनली देखा इसमें प्रॉब्लम आ गई है, तो मैंने कहा चलो निकलते हैं, ये काम भी करवा ही लेते हैं, ज़्यादा दिन तक रोकना नहीं चाहिए, अभी ज़्यादा लीक भी नहीं हुआ है। ओरिंग में मुझे लग रहा है प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि आरसी में भी मेरे साथ एक बार प्रॉब्लम हुई थी, और आई थिंक ये प्रॉब्लम हुई है, मैं व्हीली प्रैक्टिस आजकल कर रहा हूँ इसे, तो शायद प्रेशर पड़ने की वजह से थोड़ी लीक कर गई है, तो हो जाता है। तो ये चेक करवाते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। और हार्ड डिस्क भी आज मुझे लेनी है, क्योंकि मेरे लैपटॉप की पूरी स्टोरेज फुल हो गई, जिसकी वजह से मैं लाइक वीडियो एडिट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके लिए स्पेस चाहिए होती है। तो भाई व्लॉग में तो चलते हैं, पहले राइड को एंजॉय करते हुए। लखनऊ में बहुत धूप होने लगी है, बहुत मतलब बहुत, तो भाई बहुत मतलब बिल्कुल ब्राइट है बिल्कुल, मज़ा आ जाती है, लाइक बीस्ट को पकड़ लो हाथ में और मज़ा ही मज़ा। और इस गाड़ी का हैंडल भी आई गेस चेंज हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ा ऑफ लग रहा है मुझे इसका हैंडल, क्योंकि मैं इसको इतना नहीं चला पा रहा हूँ, क्योंकि मैं आजकल मतलब इतना नहीं निकल रहा हूँ, आरसी से मैं ज़्यादा निकलता हूँ, इससे कम निकलता हूँ, क्योंकि मैं इसको ट्रैवल पर्पज़ के लिए निकालना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं चला रहा हूँ। और ज़्यादा ना चलाने की वजह से ये हो रहा है कि अभी मेरा हाथ इस पर पूरी तरीके से सेट नहीं हुआ, इसकी पावर पूरी कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ मैं। लाइक अगर ट्रैफिक वैफिक ज़्यादा होता है तो कभी कभी मुझे लाइक थोड़ी सी इशू हो जाता है, ये चीज़ है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन बिल्कुल अचानक से पम्प करता है, जिसको लाइक फिर ब्रेक से कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और इसकी ब्रेकिंग भी थोड़ी आगे वाली लूज़ हो गई है, उसका रीज़न मुझे नहीं पता क्या है, मुझे लग रहा है सॉकर के वजह से तो नहीं है, या कोई क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, लेकिन रीज़न उनमें से एक हो सकता है।
देखो भाई, फक फक मैन, फक मैन, ये क्या था भाई, ये गड्ढा कहाँ से आ गया। यही हो रहा है आजकल, बच गए भाई। बहुत बड़ा गड्ढा था भाई, एक सेकंड, वही मैं देख रहा हूँ, बहुत बड़ा गड्ढा था। हाँ वो पता नहीं कहाँ से आ गया, दिखाई नहीं मुझे, बहुत बड़ा सा था, मुझे पता ही नहीं चला। बच गया मैं, बैलेंस हो गया, वरना मैं, ओ भाई बच गए सही में। बहुत अच्छा खासा बड़ा गड्ढा था और उसमें मेरा आगे वाला टायर घुस गया, पता नहीं था, वो तो मैं स्पीड में था तो शायद इस वजह से गड्ढे के थोड़े से ऊपर से निकल गई, लेकिन अगर और ज़्यादा स्पीड में होता तो शायद मामला ख़राब हो सकता था भाई। बच गए, एक लिटरली इसका बैलेंस अच्छा है इस वजह से बच गए, वरना लेकिन सही में इतनी लाइक इतना बड़ा गड्ढा पर दिखाई नहीं मुझको। ओ भाई लेफ्ट वाला सॉकर थोड़ा डैमेज है, आगे ही वाला तो भी लाइक बैलेंस अच्छा कर गई गाड़ी, क्योंकि ज़्यादा अभी भी लीक नहीं हुआ है, ज़्यादा होता तो शायद उसका पंच गंदा हो सकता था, लेकिन गाड़ी अच्छी खासी लड़ी थी क्योंकि मुझे आवाज़ आई थी सॉकर की लड़ने की दम मुझे बिल्कुल, तो अच्छा खासा सॉकर ने प्रेशर झेला। तो आ गए हम शोरूम भी, लेफ्ट में चलते हैं अंदर। इसमें ये ऑयल सील, वहाँ से ऑयल शायद लीक करने लगा है, शायद ये उसी की वजह से ऑयल यहाँ गिर रहा है। लेकिन यहाँ से कैसे कर रहा है, मुझे लग रहा है हवा की वजह से पीछे की ओर गिर रहा है। वही है, वही है, हाँ वही, क्योंकि ऐसे यही प्रॉब्लम है। और ये यार पिछली बार सही नहीं हुआ था, मैंने कहा था करवाने के लिए, इनने किया नहीं था, ये अंदर दबा हुआ है, इसको सही करवाना था भाई। I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping you and I. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. So, soccer wala kaam ho gaya isme, jo leak ho raha tha. Ab leak nahi karega. Sara kaam ho gaya isme. और ये वाला जो बताया था ये दब गया था, ये भी सही हो गया है, और कोई प्रॉब्लम थी नहीं। डिस्पैच चेंज करा दिया हम लोग ने ब्रेक पैड, क्योंकि वो ख़राब हो गए थे। तो इसका मैं शॉकिंग बताऊंगा, बहुत ही अच्छे खासे अब महंगे मिलने लगे हैं ब्रेक पैड, तो इसका मैं बताता हूँ क्या प्राइसिंग हुआ। और ये हुआ इसका, मैंने बोल्ट ले लिया है, लेकिन ये है कि जो इसमें स्पेसर लगा हुआ ये नहीं है, तो इसलिए वो लग नहीं पाएगा, तो घर जाके लगा लेंगे। तो बिल करते हैं फिर बताता हूँ कितना हुआ। फाइनली काम हो गया सारा, और ज़्यादा पैसे नहीं लगे, मुझे लगा था कि ज़्यादा पैसे लगेंगे, लेकिन सबसे महंगा ब्रेक पैड ही है जो कि अप्रॉक्स 2900 का है भाई। बूम, बिल्कुल धमाकेदार भाई, मुझे नहीं पता था इतने महंगे ब्रेक पैड हो गए हैं इसके 390 के फ्रंट टायर के। तो भाई बहुत महंगा था, ज़्यादा फिर शायद मुझे लगता है कि 700-800 रुपये का आगे वाला काम, जो सॉकर लीक हुआ था उसका काम हुआ है, लेबर के बाकी चार्जेस हैं गेस, तो ज़्यादा पैसे नहीं लगे उस हिसाब से मैं देखूं तो ठीक ही है, लेकिन ब्रेक पैड भाई, गर्मी बहुत है भाई, बहुत ही ज़्यादा, लाइक कैमरे में पता नहीं इतना दिखता है कि नहीं, लेकिन जो धूप लगती है मुझे अब ग्लव्स पहन के ही चलने पड़ेंगे लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही धूप है। तो पेट्रोल ले जाते हैं, यहाँ से निकलूँगा मैं, अनुपम के पास जाऊँगा, साथ में हम लोग जाएँगे हार्ड डिस्क लेने, फिर ये सब करेंगे और फिर निकलेंगे। 700 पावर, बारकोड देना। हालेलुया, मुझे सोने की गाड़ी दिख गई है, देखिए सोने की शेवरले, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, गोल्डन रैप में है पूरी और ओरिजिनली वाइट में जो कि दिख रहा है, फट रहा है एक जगह से भाई साहब ने मिलेंगे बहुत दिनों बाद। इधर ही आई थिंक यही वाला है, हाँ यही वाला है।
ये रही अनुपम की प्यारी सी दोस्त। तो वहाँ अनुपम भाई कह रहे हैं कि चलो नाजा चलते हैं भाई, वहाँ से सही से मिल जाएगा, तो हमने कहा चलो उधर ही चलते हैं। तो यहाँ से नाजा जाएंगे हम लोग, वहाँ से लेंगे, तो चलते हैं वहाँ पे। अभी तो हम लोग कृष्णा नगर पे हैं, वहाँ से निकलते हैं। हट 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 हट, मारोगी भाई भाई, कौन कौन भाई, ये क्या हो रहा था? आज कुछ है भाई, आज भाई आज कुछ हो रहा है भाई, मार पीट। वो देखो ऑल्टो वाला लेके भग गया गाड़ी भाई, अब धीरे ही चलेंगे, रुको हम लोग लेफ्ट से चलते हैं बिल्कुल आराम से 20 की स्पीड से। आज कुछ हो रहा है। नहीं भाई इधर से निकलते हैं आराम से भाई, यहाँ पे मैं शूट नहीं करूँगा, मैं इज्जत से निकलूंगा यहाँ से। आ गए हम एग्जैक्टली लखनऊ के सेंटर पे, ये रहा विधानसभा है ना वो, हाँ विधानसभा। ये देखो आवारा हूँ, देख रहे हो 80 रुपए के ऑरेंज का कमाल। आ गए हम शॉप पे भाई, दुकान देख रहे हो कैसे लगी है। ठीक है ठीक है, निकलते हैं। हार्ड डिस्क और हम लोगों ने Insta360 के लिए SD कार्ड ले लिया है और चश्मा पहनते हैं भाई, चलो निकलते हैं भाई। लेकिन गर्मी में दिमाग ख़राब हो गया पूरा, सामान वामान ले लिया है सब, ये लो देखो। पर्ची कहाँ गई यार इनकी, जाम तो ऐसे लगा है। अपोलो अल्फा H1 ये रहा, 52 और 150 सेक्शन में और कौन सा प्यारा पड़ेगा इसके लिए, CRT का पड़ेगा नहीं यार यही लगवाएंगे। अच्छा H1 S1 में क्या फर्क है? ओ 200 का पड़ रहा है, नेक्स्ट टाइम यही चेंज करवाएंगे, अभी तो देख रहे हैं। ये हो गया देखो, ये और ये ईंटा लग गया था, फट वो चेंज करवाना है भाई। वो देखने आए थे आज, मिल लाए कि नहीं देंगे। ये टायर अगले महीने चेंज करवाएंगे, इस महीने नहीं, क्योंकि इस महीने और काम करवाने हैं मुझे। तो अभी ये टायर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ख़राब है, ये आराम से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैं ट्रिप करना चाह रहा हूँ और कहीं बाहर जाना चाहता हूँ, वो ज़रूर बताऊँगा कहाँ कब जाना है, तो इसलिए ट्रिप के लिए मैं चेंज करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं लॉन्ग राइड पे रिस्क नहीं लूँगा। लालबाग से पिन लेते हैं, पिन देखते हैं, माइक के लिए पिन मिलेगा। ये हमारी नाका हिंडोला वाली मार्केट है, जो कि अंदर बाहर से शुरू होती है, अंदर का मार्केट है, यहाँ पर फ़ोन वोन सही होता है। बाप रे बहुत टाइम बाद आया हूँ यहाँ पे। का जैक आता है गोप्रो वगैरह के लिए,
जो कि माइक में कन्वर्ट होता है। GoPro के लिए नहीं यार, किसी भी चीज़ के लिए कन्वर्ट होता है। 3 पिन 2 माइक वाला एक सेटअप आता है यार, फोटो दिखा दो ना। जैक देखा और जैक मिला भी, लेकिन हम लोगों ने लिया इसलिए नहीं क्योंकि 150 रुपये का 200 रुपये का मिल रहा था, इतने में तो हमको माइक ही मिल जाएगा, तो इससे बढ़िया मैं माइक ले लूँ तो ज़्यादा बेटर है, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ऐसा करूँगा कि माइक ही ले लूँगा दोबारा से, क्योंकि 150 रुपये का 1 खरीदो, इससे बढ़िया माइक सेट ले लो, कम से कम मेरे पास माइक तो एक्स्ट्रा आ जाएगा, किसी ना किसी यूज़ तो आ ही जाएगा, वो इससे बेटर है मैं वही ले लूँगा। तब तक लिए मेरा लाइक ये सेटअप ख़राब नहीं है, बस ये थोड़ा भारी हो गया है। ये माइक जो मैं यूज़ करता हूँ इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, 8 मीटर आई थिंक है ये, तो इतना लंबा नहीं चाहिए। अनुपम क्या बहुत ही टाइम लग गया, टाइम क्या लग गया हम लोगों ने, और अनुपम घर से निकल आए हैं भाई, वहाँ पे इतना मज़े करने लगे आराम करके और बातें शादे सब दोस्तों के बीच में। तो हटाते हैं, अब मेन टॉपिक पर आते हैं। तो सारा काम हमने आज कर लिया, आज तो बहुत ही कुछ देख लिया भाई, रोड रेज वेज पूरा, और सच में आज पूरा दिन लाइक कुछ ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग का दिन था और मज़ा आ गया। आज सब कुछ किया हम लोगों ने, सामान लिया और गाड़ी का काम भी करवाया, लाइक बहुत कुछ एक साथ कर लिया। इसका अलग अलग मैं कर सकता था लेकिन चलो ठीक है हो गया, लेकिन गर्मी लखनऊ में भाई बहुत तगड़ी पड़ रही है, थोड़ा मुश्किल हो गया था ये सब करना। जब हार्ड डिस्क ले रहे थे तब बहुत गर्मी लगने लगी थी और बहुत ही चैलेंजिंग हो गया था, क्योंकि सच में गर्मी लगना लाइक आप 400 cc गाड़ी चला रहे हो और ऊपर से ट्रैफिक को लाइक फेस करना, ये सब करना तो बहुत ही टफ होता है। तो इंटरेस्टिंग था। तो निकलते हैं अब घर, और आई थिंक यही था इस वीडियो में, आई होप आपको बढ़िया लगा हो और मज़ा आया हो। ख़त्म करते इस ब्लॉग को यहीं पे, और मैंने सबको दिखाया आपको गाड़ी में क्या चेंजेस करवाए हो, मतलब क्या क्या रिपेयर करवाया, और ये सब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई लोग सोच रहे होंगे गाड़ी में प्रॉब्लम्स ऐसे क्यों हो रही हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी बहुत टाइम तक घर पे खड़ी रही थी, इस वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही थी। अगर आप गाड़ी को लाइक 2-3 महीने तक खड़ी रखते हो ना, 2-3 महीने, तो ये प्रॉब्लम होने लगती है। जब मेरे टायर वाला इशू हुआ था तो मेरी गाड़ी 1-2 महीने तक टायर के क्लेम के लिए खड़ी रही थी घर पे, इस वजह से मेरी गाड़ी का शॉकर ख़राब हुआ। कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या क्या रीज़न हो सकता है वो, हाँ जब 2-3 महीने गाड़ी खड़ी रहती है तो होता ही है कि सडनली जो धूल जाती है ना सॉकर के थ्रू, तो फिर उसके बाद जब मैं व्हीली की प्रैक्टिस कर रहा था तो बम्प लगना, तो वो इतना झेल नहीं पाता, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो गाड़ी अगर रेगुलरली इतना टाइम तक खड़ी ना रहे और चलती रहे ना, कम से कम अगर 10-10 दिन में भी चलती रहे, ऑन होती रहे, तो ये प्रॉब्लम ना हो, लेकिन प्रॉब्लम इसीलिए फेस हुई गाड़ी को ये। और जब भी आप लॉन्ग यूज़ के बाद अपनी गाड़ी चलाते हैं तो चलाने से पहले उसको क्लीन करके रखिएगा, क्लीन करने का देखिए यही फ़ायदा होता है। अगर आप गाड़ी क्लीन रखते हैं तो सॉकर के अंदर डस्ट नहीं जाती है, मेन कंपोनेंट में गाड़ी के डस्ट नहीं जाती है, जिसके वजह से लाइफ चीज़ों की बनी रहती है, तो ये रीज़न होता है। और रही बात टायर की, तो टायर भी हम जल्दी चेंज कराएंगे, और आई थिंक अभी नहीं लेकिन कुछ टाइम बाद, क्योंकि अभी टायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है एज इफ लाइक फंक्शनिंग में या कोई रिस्क है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा आराम से ही चलाएंगे, ज़्यादा लाइक पुश नहीं करेंगे टायर के लिमिट्स को, क्योंकि लाइक हाँ क्रूशियल जगह पे ही फटा है, तो हम उसको कुछ टाइम बाद चेंज करवाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।